गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग सर कैसे हो जय सर एक बात बोलूं सर आप जब भी ऑफिस में आते हैं आपसे एक ही चीज की अपेक्षा होती है टिफिन की अरे नहीं नहीं सर आपके हाथ में जब मैं टिफिन नहीं देखता तब मुझे जितनी मायूसी नहीं होती उससे कहीं ज्यादा मायूसी मैं जब आपके चेहरे पे स्माइल नहीं देखता तब होती है लेकिन आज ऐसा क्या हो गया सर अरे सर हमने दासानी के मोबाइल में देखा वो सखी ने वंदना मैम को एक अच्छी सी विग भी गिफ्ट की है हाँ सर कोई और टेंशन है क्या आपको हाँ सर हम जानते हैं कि वंदना भाभी की बीमारी के चलते आप पे बहुत कुछ बीता है वैसे सर हमने वो हर्षद भाई के स्टेटस पे आपकी फोटो देखी हाँ आप भी कम हैंडसम नहीं लग रहे थे और वंदना भाभी भी कितनी खुश दिखाई दे रही है तो आज टिफिन में कोई स्पेशल आइटम तो लेकिन सच कहूं तुम लोगों से मिलकर तुम लोगों से बातें करके जैसे बोझ ऐसा हल्का हो जाता है दासा जी का टिफिन प्रेम मारफतिया जी आपका वो जो कंफ्यूजन और चंदू के जो आए दिन जो राड़े होते रहते ट्रेन में वो किससे वैसे सर आप बहुत नसीब वाले हैं गाड़ी से आते जाते हैं इसलिए आपको ये सारी टेंशन नहीं झेलनी पड़ती आई नो सॉरी मारफतिया जी आपकी मोनोपोली मैंने छीन ली आई नो नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है पर एक कंफ्यूजन है सर बोलिए क्या कंफ्यूजन है सर हम जब पार्सल शिप में भेजते हैं तो उसे कार्गो कहते हैं और वही पार्सल जब हम कार में भेजते हैं तो उसे शिपमेंट कहते हैं यही बात मैं कल रात से सोच रहा हूं कि ऐसा ऐसा क्यों कहते होंगे सर एक काम कीजिए हाँ हाँ बोलिए सर नहीं एक काम कीजिए कुछ एक तो काम कीजिए बी कॉन्फिडेंट ज्योति क्या कर वंदना भाभी ने क्या कहा था कि आपके अंदर ये जो इंग्लिश का डर है ना इससे बिना लड़े पहले ही हार मत मान लीजिए वचन दीजिए मुझे कि आप ये लड़ाई लड़ेंगी अपने लिए हमारे लिए हम सबके लिए मत रख अपने आप पर विश्वास रख तेरे पास सारा प्लान है तू बस अपने सारे मुद्दे याद कर और अच्छे से मीटिंग में जाकर बोल दे What is this principle, ma'am? कहाँ है आपकी प्रेसिडेंट एक इजी डिसीजन लेने में मिसेस अग्रवाल ने दो दिन लगा दिए हैं She is just wasting time because she does not have the decision making power. Right, ladies? Right, yes, Mrs. Chopra. उनकी इमोशनल स्पीच सुन के आपने उन्हें प्रेसिडेंट तो बना दिया लेकिन एक अनपढ़ के हाथ में एसोसिएशन नहीं देना चाहिए Right, ladies? Right, Mrs. Chopra. May I come in, madam? Mrs. Agarwal, आइए. Please come in. Please have a seat. Hello. क्या बात है? आज क्लासरूम की जगह प्रिंसिपल केबिन में ही क्लास शुरू है. क्लास? What class? मैंने बाहर से सुना कैसे आप एकदम स्ट्रिक्ट टीचर की तरह अपनी सहेलियों को कह रही थी राइट लेडीज और कैसे वो एकदम सिंसियर स्टूडेंट की तरह जवाब दे रही थी यस मिसेस चोपड़ा आप ये सब इन्हें घर से ही सिखा कर लाती होंगी ना इसलिए जैसा सिखाया वैसे ही वो बोलती है राइट लेडीज राइट मिसेस अग्रवाल जोक्स अपार्ट सो मिसेस अग्रवाल क्या सोचा आपने I think so. उसने कुछ सोचा ही नहीं होगा time waste पर. She doesn't have any solution. हाँ, रघुनाथ जी. Sorry, मैं आपको message करने ही वाला था. मैं शाम को आ रहा हूँ ब्याज के पैसे लेकर. आप बोलो तो मैं अपने आदमी को भेज देता हूँ. गुलशन नाम है उसका. बड़ा गुस्से वाला है. जहां पर ब्याज के पैसे लेने जाता है वहां वहां मुझे एम्बुलेंस भेजनी पड़ती है क्योंकि बड़ी गाली गलौज करता है हाथ पांव तोड़ देता है तो इसकी जरूरत तो पड़ जाती है ना अरे लेकिन राजेश भाई आप तो हमारे घर के आदमी हैं
इसलिए आपके ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं करेगा जी। तो भेज दूं गुलशन को, आपको यहाँ पर आने जाने की झंझट नहीं होगी। उसको रिक्शा के आने जाने के 300 रुपए दे देना बस। नहीं 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 सर जी, आप चिंता मत कीजिए, ऑफिस से निकलकर मैं सीधा आ जाऊंगा आपके पास। अरे हाँ, आप तो आसानी से आ जाओगे राजेश भाई, आपके पास तो खुद की कार है। तो राजेश भाई, आपने ब्याज के देने थे 5700 रुपए, अगर आप शाम को आएंगे तो उस पे एक दिन की पेनल्टी लगेगी 100 रुपए, टोटल हो गए 5800 रुपए। वो क्या है, परिवार के सदस्यों के बीच में व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए ना। तो आ जाइए शाम को 5800 रुपए लेकर, मैं आपकी राह देखूंगा। अगर आप शाम तक नहीं आए तो आपका एड्रेस यही है ना, साईं दर्शन हाइट्स बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क के पास। कल शाम को गुलशन वहां पर आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे धीरे बंधु, क्या हुआ? वो कपट, इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हूँ मैं? बंधु छोके, नल खुला रह गया था, इतना पानी क्यों कर रही हूँ? उनसे कह देती ना मैं। नल खुला रहने की बात नहीं है राज, पानी वेस्ट हो रहा था। और मैं पानी कैसे वेस्ट कर सकती हूँ? मैं ही तो बच्चों को डांटती रहती हूँ ना कि एक भी बूंद पानी की वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ग्लास में उतना ही पानी लो जितना पियोगे, जल ही जीवन है। और मैं ही लक्ष, ऑन सेकेंड थॉट्स मुझे ऐसा लगता है कि वो केटरिंग का ऑर्डर तुमने एक्सेप्ट करना चाहिए। सीरियसली, अचानक क्या हुआ? अभी तो मना कर रहे थे, फिर हाँ कैसे? Exactly. मैंने अभी देखा कि वो बेसिन का नल खुला रह गया था और तुम्हें अचानक याद आ गया, तो तुम ऐसे फुर्ती से दौड़ कर गई और तुमने नल बंद कर दिया। मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि पानी बचाना ये तुम्हारा उद्देश्य था, राइट? उसी तरह इंसान को जब अपना उद्देश्य हासिल करना होता है ना, तो मानसिक रूप से वो इतना सक्षम हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि शरीर की पीड़ा हो, शरीर का कोई भी दर्द हो, वो एक पल में भूल जाता है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि तुम अपना दूसरा उद्देश्य फूड बिजनेस पूरा करोगी, क्योंकि उस उद्देश्य को हासिल करने की प्रोसेस से ही तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी जाग जाएगी। सोचो, इफ यू अचीव दैट, तुम कितनी खुश हो। और इंसान क्या चाहता है? मेंटल सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिव एनर्जी। मैंने उनको मना नहीं किया था इसीलिए। हाँ कह दूँ? हाँ, लुक एट यू, से ग्लो आ गया है वंदु रानी के चेहरे पे। हाँ कह दूँ? थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। Thank you for being this best furtili wife. Furtili. Hi Zaki. Hi. तुम यहाँ कैसे? अरे बहुत बोर हो रहा था तो सोचा तुमसे मिलूं. Oh. How's auntie? She's good. Chemo के बाद थोड़े side effects हैं, but she's coping up well. वैसे अच्छा किया कि तुम आए, मुझे भी अच्छा लगा। अब बाय द वे सखी, मुझे तुमसे कुछ कहना था, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सोचा कहूँ ना कहूँ, पूरी रात वही हमद सजेस्ट में था मैं। हैं? हमद मतलब? Confusion? उसे असमंजस कहते हैं बीमा। वैसे बात क्या है? कि वो मैं ये कह रहा था कि don't take it otherwise. अब it's just that मैंने अपने आप को बहुत रोका कि मैं ना बोलूं तुमसे, लेकिन at the end दिल की बात दिल में नहीं रखी जा सकती। तो
कैसी बात? बोलो ना सखी। आई नो कि इस टाइम में तुम्हें अपनी मॉम का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें अपने डैड का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड ज्यादा वल्नरेबल फेज में होते हैं। व्हाट डू यू मीन? जैसे लाइक यू नो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं और अन्विता जब अलग हो गए तो मैं कैसे अकेला हो गया था, एंड देन तुम में मुझे एक सपोर्ट मिला। वैसे अंकल को भी ऐसे सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, यू नो अ फ्रेंड जिनके साथ वो खुल के बिना झिझक के अपना दर्द शेयर कर सके। एक मिनट, यू आर हिंटिंग एट सम अदर वुमन। नो वे, ओके? द ओनली अदर वुमन इन माय डैडीज लाइफ इज मी, हिज डॉटर। मतलब स्कूल टाइम में डैडी की एक क्रश थी, मधुरा नाम था उनका। लेकिन क्रश तो सबका होता है ना, और वो चैप्टर अभी क्लोज हो चुका है। अच्छा, तो मतलब पक्का क्लोज हो चुका है ना? पता चला मधुरा ही आ गई अंकल का अधूरापन दूर करने के लिए। विवान, तुम हंस रहे हो? तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? I'm kidding. I don't mean to hurt. एक मिनट, प्लीज। हाँ, मजाक में भी मेरे डैडी के बारे में ऐसे मत सोचना, ओके? एंड आई एम श्योर मधुरा आंटी वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।